कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के इस सेवेंथ पार्ट में अब मैं आपको यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही बताऊँगा। मैं इससे पहले एक बात आपको और भी ये ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैंने जो भी वीडियो इसमें डाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज डाला है, इसलिए कोई बहुत बड़ा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश नहीं की है, जिससे कि वो हमेशा आपको सिर्फ उस टॉपिक को दिखा के आपके काम को ईजी कर दे और टाइम भी आपका कम से कम वेस्ट हो। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इससे पहले वाले में किया था, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे हम कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर रहे हैं। तो कंडक्टिंग स्लैब में आपको पता है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते में मैंने हैं। दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट प्लेस किया हुआ है, और हमें यह पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसमें जहां पे एयर है, ये पोर्शन एयर वाला है जिसमें मैंने रेड ब्लू और ग्रीन से मैंने मार्क कर रखा है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो उसी फॉर्मूले को जो मैंने अभी लिखा था, वी इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, तो अब ये जो डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले के पोर्शन में, तो एयर वाले के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे पास डी माइनस टी की है, और इसके अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मूला कंटिन्यू होगा। और जैसे कि हमने इससे पहले वाले में भी ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रखा था, और ये डी माइनस टी, और सिग्मा की जगह पे क्यू बाय ए, ये एप्सिलॉन नॉट जैसा था ये, तो डी माइनस टी, तो ये पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। उसी तरह से अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो सी इक्वल टू क्यू बाय वी अगर आप प्लेस करते हो, तो क्यू की जगह पे आप फिर से क्यू ही रहने दो, और पोटेंशियल वी की जगह पे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आप प्लेस कर दो, फिर से क्यू और क्यू का आपका कैंसिल हो रहा है, तो सी की जो वैल्यू आ रही है वो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी ऑलरेडी हमने लिया हुआ था, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ लेस हो रहा है, लास्ट टाइम हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, अभी इसका डिनोमिनेटर डी माइनस टी हो रहा है, तो दैट मीन्स कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब आप किसी भी कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस करते हो तो ये इसके कैपेसिटेंस को और भी इंक्रीज करा देता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने उसके प्रिंसिपल को भी स्टडी किया था यहाँ पे।